नमस्कार, आप देख रहे हैं सितारगंज टीवी। उधम सिंह नगर में नशे के दो बड़े सौदागरों को काशीपुर पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पास 1.5 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। बरेली से नशे का नेटवर्क चलाने वाले दो सौदागर लंबे समय से उत्तराखंड में नशे के कारोबार को अंजाम दे रहे थे। काशीपुर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। विदित हैं, अभी कुछ समय पहले ही एएसपी काशीपुर साहब के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए थाना आईटीआई पुलिस द्वारा लगभग 115 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। कल भी थाना आईटीआई पुलिस द्वारा एएसपी काशीपुर महोदय के दिशा निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हुए तकरीबन 300 ग्राम स्मैक जो है दो भाइयों के पास से बरामद की गई है। एक का नाम साहिद हुसैन है और दूसरे का जाकिर है। ये दोनों लोग जो है फतेहगंज पश्चिमी बरेली के रहने वाले हैं। ये कल जो है बरेली से चलकर हमारे क्षेत्र में स्नैक सप्लाई करने के लिए आ रहे थे। चेकिंग के दौरान लोहिया पुल के आसपास थाना आईटीआई पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया। इनके द्वारा भागने की कोशिश की गई और इनको पकड़ लिया गया है। इनके पास से तकरीबन 300 ग्राम स्नैक बरामद की गई है। FIR पंजीकृत की गई है और इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो 300 ग्राम स्नैक है इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इनका एक साहिद है, दूसरा जाकिर है, तो इसके संबंध में और जानकारी की जा रही है। इनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो बरेली जाकर हमारी टीम जो है वो पूछताछ करेगी। इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी की जाएगी और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, वहाँ क्या कैसे ये काम करते हैं, क्या इनका नेटवर्क है, उसके संबंध में पूर्ण जानकारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिली है बरेली में भी काफ़ी लोग हैं और यहाँ भी कुछ सप्लायर इनके ऐसे हैं जिनको ये सप्लाई करते थे, तो उनमें कुछ जानकारी हमारे पास मिली है और अभी बरेली जाकर हम इस संबंध में और ठोस जानकारी इस्तेमाल करेंगे। और फिर यहाँ कौन लोग कर रहे हैं और बरेली में कौन लोग कर रहे हैं, तो वहाँ की बरेली पुलिस की टीम के साथ मिलकर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये भी जानकारी मिली है कि इनके द्वारा जो स्मैक का काम है वो सप्लाई जैसे रामनगर है या ऊपर के एरिया है वहाँ भी की जा रही थी, तो उसके संबंध में भी कुछ जो हमें अभी पुष्ट सूचनाएँ मिली हैं और अभी और उसको डेवलप किया जाएगा। बाहर की पुलिस की भी मदद ली जाएगी, दूसरे थानों की पुलिस की मदद हम लेंगे, उन लोगों को चिन्हित करेंगे और जल्दी ही आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे।